पे अल्लाह की तरफ से एक नूर होगी। यही या कुछ बात तो हम भी करते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, लेकिन आप लोग नहीं मानते, पता नहीं क्यों। हलील साहब को तो मुझे समझ नहीं आती किस बात की तप है हम लोगों की। अच्छा काशिफ साहब है हुण कह रही जी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वो सिर्फ खलील साहब नू वेख के पहले कह रही थी मेरा खसम मेरी मर्जी। मेरा भी स्किन का मसला है, मैनू भी कोई चीज दसो, मेरा भी स्किन जरा कोई की हो रहा है, बड़ी डल रहती है स्किन। डल नहीं रहती, डग रहती है। एक्सक्यूज मी, ये डग तो कोई और चीज काशिफ साहब पता सानू नहीं, मुझे ऐसा लगता है इन बच्चों को नहीं पता। ओ यार नहीं, उन्होंने भी पता, कोई ऐसी गल डग डग एक नसल, डग डग एक गाना है भाजी, जो पुराना गाना नहीं मैडम का, मैं डग मग डोलदी झूठ नहीं बोलदी वेखदी रा कर आ मेरे सोनिया ए गाना। बेवकूफो, बेगम से जितने मर्जी कसून खा लो मुंह छोटा नहीं होता, क्यों खलील भाई? Absolutely, I am for that. ये तो एक खामखा मेरे नाम के साथ लेबल किया गया। अगर फेमिनिज्म औरतों के हुकूक की बात करता है तो इस खत्ते में खलील रहमान कमर से बड़ा फेमिनिस्ट कोई नहीं। देखिए मादर पिदर आज़ाद आज़ादी जो है वो सिर्फ जानवरों को नसीब होती है। वाह वाह। तो अगर आपने जानवर बनना है तो मैंने पहले भी किसी प्रोग्राम में अर्ज किया था कि जंगलों के रास्ते अभी भी खुले हैं, वहाँ चले जाइए। हमें तहजीब सिखा कर ग्रेजुअली और एवोल्यूशन के ज़रिए यहाँ तक पहुँचाया गया है, जहाँ हमने औरत को संभालना सीखा था और औरत ने अपने आप को संभालना सीखा था। तो मैं जब इस बात को फाइट आउट कर रहा था तो मैं असल में उन औरतों का आलम बुलंद कर रहा था जिन्होंने ये बेईमानी नहीं की। और कहीं मुझसे ये भी पूछा गया कि ये हया क्या है, तो ये किसी ने मुझे मैसेज किया है, दिस इज़ नॉट माई थिंग बट आई लव दैट पर्टिकुलर डेफिनेशन, और मैं अपनी बच्चियों के सामने बताऊँगा हया वो ताला है जो बस एक चाबी से खुलता है, जब ताले को दूसरी चाबी लगती है तो हम उठा के उसको बाहर फेंक देते हैं। वाह।